सोचा था मैंने किसी रोज गोरी हंस के बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। अजय सिंह चंदेल भैया आपकी ओर से एक बार फिर से ये 251 रुपए का बहुमूल्य पुरस्कार है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए गीत सुनिएगा, निवेदन है आप लोगों से, बहुत चर्चित कहानी लेकर आई हूँ क्योंकि कीर्तन का मंच है तो इस विधा को भी लेकर चलना है, इसीलिए तर्ज का चयन ऐसा होता है कि मुस्कुराहट आ जाए, मर्ज का चयन इसलिए ऐसा होता है कि दिमाग पर जोर डाला जाए। आइए सुनिएगा, तर्ज मैं दे रही हूँ, मर्जी सुनिएगा। जिस समय वामन भगवान पहुँच गए राजा बलि के यहाँ यज्ञ में, तीन पग भूमि मांगी भैया, दो पग में सब कुछ नाप लिया, तीन पग तीसरा पग बचा। बोले आप बताएं राजन। बोले प्रभु अब मेरे पास कुछ नहीं है, ये शरीर है। बोले ठीक है। और जब कहा प्रसन्न हो गए भगवान, बोले जो चाहो मांग लो, जो चाहे मांग लो। अब देखिए आगे होता क्या है, क्या निवेदन हमारी माताएं बहने भी यहाँ पर विराजमान है। गीत को सुनेगा, कहना पड़ा क्या। भगवान विष्णु सोचने लगे, सोचा था हरि ने उसे मन में बसाऊंगा, बंबई जाओगे क्या बेटा, फुर्सत नहीं है। सुनिएगा, अरे सोचा था हरि ने उसे मन में बसाऊंगा, लेकिन भैया जी भगवान विष्णु लेकिन खुद ही बस गए वहां। कहां? राजा वामन के बलि के यहाँ, समझाते हैं राजा बलि के यहाँ। और जब बस गए तब हुआ क्या, आए
स्वामी वामन भगवान आए थे स्वामी मेरे उसी को फसाने, लेकिन खुद ही फंस गए। कैसे कैसे बलि ने मगर तीन पग धरती भैया श्री रमेश सिंह भैया कानपुर काका देव से आए हैं आपकी ओर से ये 1 लाख रुपए का आशीर्वाद है, धन्यवाद है। 1000 5000 1 रुपए पूरी रात्रि का हो गया, ठीक है भले दे ना दे लेकिन हमने बोल दिया आपका दो नहीं का देव पाका देव हमारी माता वाले ने हमको दे, वो ज्यादा नजदीकी पड़ते हैं ना। आइए भैया जी सुनेगा अब्बाली ने मगर तीन पग धर दी उनको दान दिया दो चक्रधारी करते हैं पहरेदारी। राजा बड़ की हाँ राजन ने कह दिया कि प्रभु मैं बस यही चाहता हूँ, हमारे महल के 52 दरवाजे हैं, मैं जिस महल के जिस दरवाजे से जिस समय निकलूं मुझे आपके दर्शन हो। जब कह दिया सबको फंसाने वाले आज फंस गए हैं तो कहना पड़ा भैया मुझे क्या? अरे वो चक्रधारी करते हैं पहरेदारी वामन भगवान बलि के यहाँ, वो चक्रधारी करते हैं पहरेदारे बले बलि के दरवाने हैं। तो परवाना जी समस्या आती है तो आखिर याचक है पराया यजमान है। बहुत धन्यवाद है बस समस्या यही है। अरे वो चक्रधारी करते हैं पहरेदारी बने बलि के दरबान है तो आखिर याचक है पराया यजमान है। आखिर याचक बड़ा है या यजमान बड़ा है? दूसरी बात सुनिएगा पालनी प्रवणा जी। अरे रावण को मारा रे आप सब लोग जानते हैं, सुनेगा रावण कुमारा विजय राम जी ने पाई लेकिन एक बार विषम परिस्थिति आई है। किस समय विषम परिस्थिति आई? भगवान राम परेशान हो गए जिस समय अरे सौ सिर के रावण को सीता ने मारा अरे काली रूप वो बनाई है तो काली रूप में देख के राम ने अरे खुद सम्मान किया है। भगवान राम ने भैया श्री दिलीप कुमार खीरो आपकी ओर से हमारे लिए 51 रुपए और 10 रुपए हमारे सभी सहयोगियों के लिए आए हैं, बहुत धन्यवाद है। तो कहना पड़ा वो धनवा धारी नारी है जिस पर भारी। राम को तो मार लिया लेकिन 100 सिर वाले रावण को मारने के लिए जानकी ने काली का रूप बनाया और जब रूप बनाया तो भगवान राम उनको पूज रहे हैं। तो वो धनवाधारी नारी है जिन पर भारी हाथ जोड़े भगवान है।
समस्या है। क्या क्या हो श्रीमती बड़ी, बस समस्या यहीं पर है श्रीमती। अरे श्रीमती बड़ी है या फिर श्रीमान है। तीसरी बात देखिएगा, अपमान राम जी के गुरु का किया तो शरण में कपी की आया है। अरे सीता राम हनुमान रथ का निरंतर तो हनुमत ने बते लाया है। एक बार बाबा बजरंग बली और भगवान राम का युद्ध होने लगा। अब समस्या आ गई वहां पर भी, कैसे कैसे राम बाण सब वापस आए तो कपिल ध्यान किया है। जो गदाधारी करते जिनकी रखवाली सन्मुख आए बलवान है। तो यहाँ पर भी समस्या है, तो आखिर भक्त है पराया भगवान है। क्योंकि तो कहते जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, तो आखिर भक्त है पराया भगवान है। तो आखिर भक्त है पराया भगवान है, तो आखिर याजित है पराया यजमान है। बोलिए सच्ची को सुंदर सा दिया है। अरे सोचा था मैंने एक रोज गोरी हंस के, सोचा था मैंने एक रोज गोरी हंस के आएगी तू ना आई, नाई 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 समझते रही ना भैया, मेरी मोहब्बत भरी बातें सुन सुन के, मेरी मोहब्बत भरी बातें सुन सुन के आएगी तू ना आई नाई 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 नाई। समझो शब्दों का चयन देखिए। उमेश भैया समझाओ, आओ आओ समझाओ। अरे मेरे प्यासे नैना तरसे, मेरे प्यासे नैना तरसे चुन गली ढोलक मास्टर हो तो ऐसा हो। और क्या ढोलक मास्टर स्टाइलिश है, भले सात जन्म बाद हो दोनों दोनों एक ही क्षेत्र के। फिरकी वाली फिरकी वाली तो कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, जुबान से रे 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 आराम से बैठे आराम से। बड़ा काम लगा रही हूँ आजकल। इसको कहते काम। फिरकी वाली तो कल फिर आना, नहीं फिर जाना तो अपनी जुबान से, तेरे हो तेरे हो मेरे हो तेरे नैना है जरा गई जाना।
आदरणीय अपना अपना दिलीप शर्मा जी खीरो से जो पधारे हुए हैं, ये सिर्फ धुन पर रिंकी जी धुन आपकी है लेकिन मैंने निभाया है, उसका आशीर्वाद हमारे दिलीप शर्मा जी जो खीरो से पधारे हैं आपकी ओर से 51 रुपए आए हैं, हृदय से नमन करता हूँ। आपका अंदाज ही निराला है। और ये 10 रुपए फुटकर है बिल्कुल हमारे ढोलक मास्टर के लिए जो हमारे साथ छोटे भाई समर जी जी लगे हुए उनके लिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। सब काम का दाम है। ओके आपने और थोड़ा स्टाइल में बजाओ। रिंग जी आज पता नहीं क्या है, आप बार बार सवाल पे सवाल करती जा रही हैं। याचक है बड़ा या यजमान है, श्रीमती बड़ी है या श्रीमान है, भक्त बड़ा है या भगवान है, कहो हम जवाब ऐसे देते दे, समय बचा ले दादा बता दे ऐसे जवाब देते दे। ये रजिस्टर रखे दे रहे हैं और आपको जवाब दे दे, बताओ दे दे जवाब बताइए। इसको कहते हैं गाना बजाना और क्या, इस मंडल को हल्के में ना लेना। भक्त के बिना बेकार ये भगवान है, ये ले लो। अरे श्रीमती श्रीमान के बिना श्रीमती भी बेकार बिना श्रीमान है, जब तक श्रीमान नहीं तो श्रीमती कहाँ होंगी और क्या क्या मतलब। देख लो ये लो तालियां देखो, धन्यवाद है, ऐसे तालियां बजाओ। देखिए कुछ नहीं है, ये सब हवा महल है बस। अरे बिना याचक के बेकार यजमान है, जब भक्त नहीं होगा तो भगवान कहाँ होगा, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। हो गया जवाब बस, क्या बोल दिया इसे बाएं हाथ का। अरे आपने कहा भक्त बड़ा या भगवान है, आपने कहा सवाल किया भक्त बड़ा या भगवान है, मैं कह रहा हूँ भक्त के बिना बेकार भगवान है, यही जवाब है। और क्या जवाब, आइए सुन लीजिए, यही है। उमेश भैया तुम जरूर समझना, तुम्हारा पेट भर जाए। अरे भक्ति में ये बात बहुत सुंदर, प्रहलाद बार बार अपने पिता को समझा रहे हैं, नहीं वो एक हरि है वही भगवान है मैं, लेकिन उनके पिता कह रहे हैं ना ना मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो सुनिएगा सुनिए, भक्ति में भजते अरे भगवान को देखो, सतयुग में प्रहलाद अरे जिसने जाना उसने माना, कहता यही जवाना जिसने जाना उसने माना, कहता यही जवाना। भक्त द्वारा है प्रभु का नजारा, कह ज्ञानी गुणवान है, बिना भक्त के अधूरे भगवान है। बिना भक्त के अधूरे भगवान, शिव में ही शक्ति शक्ति में शिव है, महिमा जिन की न्यारी है, कहते ज्ञानी कहते ज्ञानी जो ग्रंथों की है कहानी, द्वारा नारी का सुख सारा, नर से नारी पहचान है। रिंकी जी बड़ी बड़ी आप बातें करती हैं, एक चुटकी सिंदूर नर ही डालता है और क्या,
नारी बन जाती है वो लड़की, और वही एक चुटकी सिंदूर हटता है तो नारी क्या हो जाती है आप स्वयं जानती हैं। तो कहना पड़ा नर के द्वारा नारी का सुख सारा, नर से नारी की पहचान है, और अरे श्रीमती से आगे श्रीमान है, श्रीमती से आगे वो श्रीमान है, श्रीमती से आगे वो श्रीमान।